प्यारे बच्चों, एक दफा की बात है, एक बहुत जिद्दी बच्चा हुआ करता था। वो हर बात पर बहुत जिद करता था और थोड़ा सा बदतमीज भी था। वो अपने मामा पापा से बातें मनवाने के लिए जिद करता और बदतमीजी करता। एक दफ़ा वो अपने मामा पापा के पास आया और उन्हें कहने लगा कि मुझे नए कपड़े चाहिए। उसके पापा ने कहा कि अच्छा, अभी तो आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। लेकिन बच्चे ने जिद शुरू कर दी। फिर उसके पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कल कपड़े दिलवा दूंगा। लेकिन बच्चे ने फिर जिद की कि नहीं, मुझे तो आज ही कपड़े चाहिए, मुझे तो अभी कपड़े चाहिए, मुझे अभी नए कपड़े दिलवाएं। तो आहर तंग आकर उसके पापा ना चाहते हुए भी उसको कपड़े दिलवाने के लिए बाजार चले गए और वहाँ से उसे उसकी मर्जी के नए कपड़े लेकर दिए। बच्चे ने वो कपड़े लिए और घर आकर उनको लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और बेड पर चढ़कर जंपे लगाता हुआ सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसके अब्बू वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपने कपड़े बहुत बुरी तरह एक साइड पर फेंके हुए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं इसके साथ जाकर इतनी मेहनत से इसे कपड़े लेकर दिए हैं। प्यारे बच्चों, वो इसी तरह मुख्तलिफ बातों पर ज़िद्दे करता रहता। एक दिन वो अपने अम्मी अब्बू के पास आया और उन्हें कहने लगा कि आज मुझे नई वीडियो गेम चाहिए। तो तब भी उसके पापा ने उसको समझाया कि आपके पास बहुत सारी वीडियो गेम्स हैं, आपने नई वीडियो गेम्स क्या करनी है। लेकिन वो ज़िद करने लगा, नहीं नहीं, मुझे नई वीडियो गेम्स चाहिए और अभी के अभी चाहिए। उसके पापा ने मजबूर होकर ना चाहते हुए भी उसके साथ चले गए और उसको वीडियो गेम की शॉप पर ले गए। वहाँ से जाकर उसने अपनी मर्ज़ी की वीडियो गेम्स उठाई। घर आकर उसने एक दफ़ा उन वीडियो गेम्स के खेला और फिर उन्हें एक तरफ फेंक दिया। वो हर चीज़ के साथ इसी तरह करता। अब वो दोबारा से बेड पे जाकर आराम से जंपे लगाता हुआ सो गया। उसके पापा को इस बात का बहुत दुख होता कि वो किसी भी चीज़ की कदर भी नहीं करता था और उसे लेने के लिए बेइंतहा ज़िद करता। इस तरह उसकी ज़िद्दें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन इसी तरह उसकी कोई फरमाइश पूरी करने के लिए उसके पापा घर से निकले। वो जल्दी में जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और इस तरह उनकी एक टांग भी फ्रैक्चर होगी। अब वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहे थे, वो सारा दिन बेड पर पड़े रहते। अब उस बच्चे को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, लेकिन वो शर्मिंदगी के मारे अपने पापा से आंखें नहीं मिला सकता था। उसे दिल ही दिल में बहुत दुख था कि उसके पापा उसकी वजह से जख्मी हो गए और अब वो उसकी फरमाइशें और ज़िद्दें पूरी नहीं कर सकते। आखिर एक दिन उसने अपने पापा से माफ़ी मांगने का सोचा। वो अपने पापा के पास गया और उसने उनसे कहा कि मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से आपसे गलत किस्म की ज़िद्दें और फरमाइशें नहीं करूँगा और हमेशा आपकी बात मानूँगा। तो देखा बच्चों, हमें अपने अम्मी अब्बू के साथ बदतमीज़ी या ज़िद्द नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनकी बात माननी चाहिए।